मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने वाले बयान पर तीखा हमला किया है। श्री बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि मतलब अब गुंडागर्दी करेंगे, बुलडोजर चलवाएंगे और उल्टा लटकाएंगे। ईडी आईटी आपकी है, उल्टा लटकाओ या सीधा लटकाओ, ये कर क्या रहे हैं यहाँ? जेल भेजने से ज्यादा और क्या कर लेंगे? डरा धमका कर जेल भेज रहे हैं। भाजपा के आरोप पत्र पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने आरोप पत्र जारी किया है, भाजपा के नेताओं को जवाब देने का औचित्य नहीं है। मैंने सोचा था कि आरोप पत्र पढ़ लूंगा फिर जवाब दूंगा, पर आरोप पत्र पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री पत्रकारों के प्रश्न पर जवाब दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप पत्र ये थी, बाहर में ईडी लगाया गया था, वो भी भरा माल था, वो खाली था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं पर आरोप पत्र जवाब देना, उसको जवाब देने का औचित्य नहीं है। मैं सोच रहा था उसको जवाब दूंगा, कभी पत्रकार पढ़ लूंगा फिर जवाब दूंगा, लेकिन पता चला कि उनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है। जब उनको विश्वास नहीं है तो उस आरोप पत्र का जवाब देने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हम बताइए। कार्यालय पहुँचे मनसुख जी, गुजरात पहुँच गए, वापस आए और यहाँ अब इनके जबान भी बिगड़ते जा रहे हैं। रमन सिंह आरोप पत्र घोषणा पत्र कर रहे हैं, है ना, और इनको विश्वास है ही नहीं खुद पे। तो इस कारण से जब उनके कार्यकर्ता विश्वास नहीं कर रहे, जनता तो विश्वास करती ही नहीं है, वही तो कहना। उतने कार्यकर्ता नहीं जुटे, गृह मंत्री एक रात भर एक दिन पहले आ गए हैं, तब वो जुट नहीं पाए कार्यकर्ता। वही तो मैं कह रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को ही विश्वास नहीं भारतीय जनता पार्टी, तो हमको जवाब देने की जरूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू। ये जो सट्टा वाले हैं महादेव ऐप, यहाँ हमने कार्रवाई की, देश में और कहीं कार्रवाई नहीं हो रही, छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई और सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, पैसा भी जब्त किया, गैजेट भी जब्त किए, उसमें मोबाइल और टेबलेट भी, लैपटॉप भी जब्त किए। आप क्या कर रहे हैं? हमने तो लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया, आप पकड़ के लाओ और महादेव ऐप बंद करो। आप कहते हैं ना कि कौशल उन्नयन योजना के तहत आप सट्टा खिला रहे हैं, तो आप तो GST ले रहे हो सर, उसमें सट्टे में जुए में आप 28% GST लगा रहे हैं, उसको कब बंद करोगे? और दूसरी बात, जितना भी आप मोबाइल में आप देखो वो सब आ रहे हैं, उसको कब रोक लगाओगे? और सबसे बड़ी बात ये, महादेव ऐप जब हमने सर्कुलर जारी कर दिया, ईडी जांच करने आ गई, तो आज तक के वो बंद क्यों नहीं हुआ? महादेव बंद कौन करेगा? राज्य सरकार तो नहीं करेगी, केंद्र सरकार करेगी। तो गृह मंत्री बताए कि बंद क्यों नहीं हो रहा है, और बंद नहीं कर रहे तो उसका कारण क्या है, ये बताए गृह मंत्री।